मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। हैं भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। हैं भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानां आलयं करुणालयं। नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। देवार्चन स्नान शौच भिक्षादौ वर्ततां वपुः। तारं जपतु वाक्तद्वत् पठत्वाम्नायमस्तकम् विष्णुं ध्यायतु धीर्यद्वा। ब्रह्मानन्दे विलीयताम् साक्ष्यहं किञ्चिदप्यत्र न कुर्वे नापि कारये। कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्त प्राप्यतया पुनः। तृप्यन्नेवं स्वमनसा मन्यते सव निरंतरम्। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता जी में एक सूत्र दिया, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्यात् कृतकृत्यश्च भारत। पूरा श्लोक याद है किसी को? एतद् बुद्ध्वा, ये नीचे की पंक्ति है, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्यात् कृतकृत्यश्च भारत। एतद् इस तत्व को जो जान लेता है उसी को हम बुद्धिमान कहते हैं। ये भगवान का सर्टिफिकेट है गीता जी में, प्रमाण पत्र।
इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इति गुह्यतमं, ये बहुत ही रहस्यमयी विद्या है। हमने जो तुमको बताया है और इसमें जो मूल चीज को हमने बताया है उसको जो जान लेता है, एतद् बुद्ध्वा, वही कौन है? बुद्धिमानस्यात्, वही बुद्धिमान है। यानी बुद्धिमान की परिभाषा भगवान ने कर दिया, जो आत्मा को ठीक ठीक जाने, जो अपने स्वरूप में निष्ठ हो। अच्छा, पहचाने कैसे कि हम बुद्धिमान हो गए हैं? ये तो चलो भगवान ने सर्टिफिकेट दिया, प्रमाण पत्र कि बुद्धिमान है। हम कैसे पहचाने? तो लक्षण दिया, कृत कृत्यश्च भारत, ये लक्षण वाक्य हो गया। वो कैसा है? कृतम कृत्य, कृत कृत्य या समास है, कृतम कृत्य, जो करने योग्य है वो सब उसने कर लिया, जो करने योग्य था वो सब कर लिया। अब उसके चित्त में प्रयोजना अभाव हो गया, उसके अंतःकरण में अन्य किसी प्रयोजन का अब कोई लेश मात्र नहीं है। कृतकृत का मतलब हुआ प्रयोजन अभाव, प्रयोजना भाव। जैसे दुखा भाव कहा था ना, ऐसे प्रयोजना भाव। जैसे हमेशा एक एक चीज बनी रहती है, आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल में पास हो गए तो मन में आएगा अब क्या। अब देखो शब्द क्या आया भीतर, अब क्या करें, अब क्या करें गुरुजी। फिर हाई स्कूल पास हो गए तो अब क्या करें महाराज, आगे बढ़ गए तो अब क्या पढ़ें, क्या पढ़ें, ए वाला, साइंस की, कॉमर्स की, आर्ट्स। हम लोगों के समय ज़्यादातर तीनों चलता था, है ना, साइंस कॉमर्स और आर्ट। हम लोगों को गांव में ज़्यादातर इतना ही पता होता था, बाकी शहर में फिर तो तमाम ब्रांचेस दिखाई पड़ने लगी ना। और पढ़ लिया तो अब क्या करें, ये अब क्या समझ रहे हो ना, अब क्या, नेक्स्ट क्या करूं, तो उसके बाद और बढ़ते चले जाओ। उसके बाद फिर पढ़ लिख लिया, MBA की डिग्री मिल गई, अब क्या, बोले नौकरी ढूंढ, नौकरी मिल गई, अब क्या, अब क्या, बोले अच्छा कुछ इकट्ठा कर लो, एक फ्लैट खरीद लो। अगर बंगलोर में रहते हो तो बिना फ्लैट की जिंदगी कैसे है, फ्लैट खरीदो। अब क्या करें, बोले अब शादी कर ले, अब क्या, ये अब क्या, ये आप लोगों के समझ में आ रही बात ना, अब क्या, इतना तो हो गया अब क्या, इतना तो हो गया अब क्या। ये जो अब क्या है, मतलब अभी कुछ करना हमको बाकी है, समझ में आ रही ना बात। अरे ठीक है, आपने सत्संग भी सुन लिया तो क्या कहता है आदमी, महाराज सब समझ तो गए, गीता तो पढ़ लिए, अब क्या, गीता पढ़ लिया समझ गए, अब क्या, अब क्या माने अभी आपको लगता है कि अभी कुछ करना बाकी है। फिर लोग कहते हैं सुन लिया समझ लिया, जब जीवन में उतर जाएगा तो ऐसे ऐसे समझाया जाता है, इसका मतलब अभी आपके भीतर कुछ करना बाकी है, कुछ करना बाकी है। तो जब तक आपके भीतर कुछ भी करना बाकी है तब तक अभी आप कृतकृत्य नहीं। एक कृतकृत्य शब्द समझना, जिसके भीतर अब क्या करें ये शब्द ही समाप्त हो गया। अब क्या होगा, अब क्या करें, क्या हुआ, हाँ कुछ गड़बड़ बोला क्या मैंने, सब ऐसे देख रहे हो जैसे, हाँ जीवन में देखो, अरे बुढ़ापे तक, मरते दम तक, हाँ सांस नहीं आ रही, अब क्या, बोले भाप ले लो यही ना, सांस नहीं आ रही, अब क्या, बोले भाप ले लो। ये महाराज एक कहानी खत्म ही नहीं होती, हाँ एक न एक कोई न कोई जो है समस्या ये संसार में बनी रहती है, और अब क्या, समझ में आ रहा है ना, अब क्या। तत्ववेत्ता के जीवन में ये समाप्त हो जाता है कि अब क्या, बस इसी का नाम है कृत कृत्यता, ठीक है ना, कृतम कृत्य, जो करने योग्य था वो सब हमने कर लिया, अब कुछ करने का रहा नहीं, अब ये प्रश्न ही खत्म हो गया कि अब क्या करें, हाँ कौन सा माला जपें, कौन सा मंत्र का जाप करें, अरे शिवलिंग घर पे लाए थे, पूजा घर में रखूं कि नक रखूं महाराज,
ये भी एक प्रश्न है। हमारे घर में नौ तस्वीर है, नौ भगवान की, क्या करूं महाराज? मतलब संसार में मनुष्य के भीतर के प्रश्न समाप्ति नहीं होते। हाँ, वो लेके तो आए थे, किसी ने गिफ्ट में दे दिया, क्या अब क्या करें उसका? वो फोटो पकड़ा दिया था भगवान की, अब क्या करें उनका? हाँ, समझ आ रहा है ना? मतलब आप लोगों के ता जिंदगी ये शब्द बना रहता है। हाँ, क्या क्या आगे, क्या फिर, क्या फिर, क्या फिर, क्या? जब तक आप ये पूछते हो कि हमने गीता पढ़ लिया, उपनिषद सुन लिया, साधना शिविर कर लिया, ध्यान भी कर लिया, अब बताइए क्या करूं? समझ लेना अभी आप, अभी खिचड़ी पकी नहीं है, है ना? हाँ, कि अभी कृतकृत्य नहीं, अब कृतकृत्य भयो मैं। कृतकृत्य माने कृतम कृत्य, जो करने लायक था वो सब, ये प्रश्न ही समाप्त हो गया। आप उस अवस्था में जाकर के देखो अपने भीतर, जो जानना था जान लिया, जो करना था सो कर लिया, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा, ना पूजा ना जाप। और अगर पूजा करता है तो शरीर है, कर लेता है, उसमें उसको कोई उसमें विरोध नहीं है। जब तक प्रारब्ध है तब तक ये शरीर है, प्रारब्ध जब तक है तब तक शरीर है। बार बार ये शब्द आया था ना कल, जब तक आरब्ध प्रारब्ध है तब तक शरीर है, और जब तक शरीर है तब तक वो व्यवहार हो जाता है। वो क्या कहते हैं, ना कुरुवे ना पिकारे, 97वें श्लोक में नीचे है, ना कुरुवे, करता नहीं है लेकिन हो जाता है, कराता नहीं है लेकिन हो जाता है। क्या हो जाता है? देवार्चन हो जाता है, स्नान हो जाता है, शौच हो जाता है, भिक्षा मांग लेता है, वो मंत्र का, तारक मंत्र का जाप कर लेता है, वेद पढ़ लेता है, विष्णु भगवान का ध्यान कर लेता है, ब्रह्मानंद का, जो भी हो जाता है। ना कुर्वे, करता नहीं, कराता भी ना, कारय माने ना, कुर्वे माने करता नहीं, ना कारय माने कराता भी नहीं। बस जब तक प्रारब्ध है शरीर का तब तक सहज भाव में होता रहता। ये प्रारब्ध तीन प्रकार का होता है, प्रारब्ध के तीन भेद हम लोग करते हैं, स्वेच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध और अनिच्छा प्रारब्ध। सुना है कि नहीं सुना है? स्वेच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध और परेच्छा प्रारब्ध। स्वेच्छा प्रारब्ध, जैसे स्वेच्छा प्रारब्ध माने आज हमने पक्का कर लिया कि एकादशी नहीं खाऊंगा। तो किसने पक्का किया? हमें, घर में तो रोटी भी है, दाल भी है, चावल भी है, सब तो है, तो अब आज के दिन इस शरीर को भोजन मिलना नहीं है, इस शरीर को आज के दिन भोजन नहीं मिलेगा। कैसे? हमने अपनी मर्जी से किया ना। तो एक प्रारब्ध हो गया, नाम हुआ उसका स्वेच्छा प्रारब्ध। स्वेच्छा माने स्व इच्छा, अपनी मर्जी से हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन उसका परिणाम कि इस शरीर को वैसा होगा। अब जैसे स्वेच्छा प्रारब्ध, योगा करूंगा, योगा करूंगा, क्या हो गया? योगा करूंगा, योगा करते करते ऐसे कुछ पांव चलाया कि पांव में मोच आ गया। किसने कहा था ये क्या हो गया? स्वेच्छा प्रारब्ध, ठीक है ना? स्वेच्छा प्रारब्ध, पहला प्रारब्ध याद रखना, ये अपनी इच्छा से आपने कुछ ग्रहण किया, स्वीकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप इस शरीर को कोई न कोई तकलीफ या सुख मिलता है, दोनों चीजें, सुख या दुख इस शरीर को प्राप्त होता है। किसकी इच्छा से? आपने अपनी इच्छा से कोई न कोई ऐसी परिस्थिति का निर्माण खुद स्वयं आपने कर लिया, ठीक है ना? आगे बढ़ूं। हाँ, कई बार जो नए बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, ताकत होती है, हम लोग भी ऐसे थे, रास्ते में चलते थे तो ऐसे लात मारते चलते थे, ईंट पड़ी हो यूँ लात मारा, कुछ पड़ा हो तो यूँ मारा, ऐसे किया होगा शायद, है ना? कुछ जैसे गेंद को मारते हैं, फुटबॉल के गेंद को, ऐसे जो पड़ा हो यूँ मारा यूँ, और कई बार उसी में अंगूठा घायल हो गया। क्या हुआ वो, उसका नाम क्या हुआ? स्वेच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध, दूसरा हुआ परेच्छा, पर धन इच्छा। अब आपकी कोई इच्छा नहीं थी लेकिन किसी दूसरे के कारण अब आपके शरीर को सुख दुख मिल रहा है, ठीक है ना? परेच्छा, परेच्छा माने किसी पर की इच्छा से, दूसरे की इच्छा से
अरे कई बार हम लोगों के जीवन में हुआ है, कई बार दो दो बार खाना पड़ा है हमको, दो दो बार। क्यों महाराज? थोड़ा सा चख लो, बड़ी बड़ी मेहनत से बना के लाए, अब लो भैया खा ले रहे। लेकिन अब वो पेट में दर्द हुआ तो, हाँ दो बार तो खाए लेकिन जब पेट में दर्द हुआ तो किसके कारण? बोले वो सामने वाले का दिल रखने के लिए हमने खाया था। तो कौन सा प्रारब्ध हो गया? ये परेच्छा पर। और बहुत सारी चीज़ें आप देख लेना, मोटरसाइकिल अगर चलाना पड़े तो थोड़ा भीतर से अच्छा नहीं लगता। हमने नहीं चलाई कभी, कोई 10 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के नहीं गया हूँ। हाँ और उसके बाद भी अभी कई भगत लोग मोटरसाइकिल लेके आएंगे तो कहेंगे स्वामी जी थोड़ा सा शुभ कर दो, स्टार्ट कर दो। अब उनकी मोटरसाइकिल वहाँ से चला के वहाँ तक गए, वहाँ से वहाँ आए, वहाँ वहाँ बगीचे तक गए थोड़ा सा, अभी कौन सा प्रारब्ध है? मोटरसाइकिल नहीं पसंद है चलाना, बिल्कुल डर लगता है। अब आप लोग कईयों की चलाई ना हमने, हाँ तो एक इसका नाम हो गया परेच्छा पर। ठीक है ना, समझ आ गया? पक्का पक्का? दो प्रारब्ध स्वेच्छा, दोनों समझ में आ गया ना? कभी दूसरे की इच्छा से हमको कुछ ना कुछ इस शरीर को सुख दुख मिलता है, दूसरे की इच्छा से ही। हाँ तीसरा है अनिच्छा, अनिच्छा प्रारब्ध। अनिच्छा माने ना सामने वाले की कोई इच्छा है ना मेरी इच्छा है, और फिर भी इस शरीर को कभी सुख और कभी दुख मिलता है। सामने वाले की भी कोई इच्छा नहीं है, आप उसको दैवात कह लो, दैवी घटना कह लो, कोई और घटना कह लो, उसको हम कहेंगे अनिच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा। कैसे? अब दो दृष्टांत तो समझ लेना। कई बार आप सब भुक्त भोगी हो, कई बार आपने इसको देखा है, हम प्रवचन में पंखा बंद करा देते थे, याद है ना? बहुत बार वो क्या हो गया, परेच्छा। मेरी इच्छा है तो आप गर्मी सहो, तो जब आप गर्मी सह रहे हो, पंखा मैंने बंद कराया तो कौन सा हो गया? परेच्छा। और इस समय बिजली चली गई, पंखा बंद हो गया तो ना आप चाहते हो ना मैं चाहता हूं, और फिर भी पंखा सब हो गए, क्या हो गया? अब इसका नाम अनिच्छा। अब इससे ज्यादा सरल दृष्टांत और क्या दूं? हाँ तो तीन प्रकार का प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध के तीन भेद कर लेना, स्वेच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध और अनिच्छा प्रारब्ध। ठीक है, क्लियर? तो देवार्चन यहाँ पर अपने हिसाब से संगति लगा लेना, पूरा इतना पढ़ लो, इतना समझदार हो गए हो। देवार्चन से लेकर के ये सब का सब, ये सब शरीर जब तक है तब तक उसके शरीर का प्रारब्ध है, आत्मा का प्रारब्ध नहीं होता। हमने पहले भी कहा था, आत्मा का कोई प्रारब्ध नहीं होता, तत्ववेत्ता अपने स्वरूप में है, लेकिन प्रारब्ध किसका? शरीर का। तो जब तक शरीर है व्यवहार करता है, तो चूंकि वो 10 साल तक शास्त्री व्यवहार करता था, शास्त्र के अनुसार करता था, तो अभी भी कौन सा व्यवहार कर रहा है? देवार्चन, स्नान, शौच, भिक्षा, तारम जपतुवाक, ये सब वो व्यवहार करता भी रहता है, और साथ में उसको बोध भी है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा मेरी ना कुछ करती है और ना कराती है, मैं तो कृत कृत्य हूँ। तो शरीर सारा व्यवहार करते हुए भी वो अपने स्वरूप में स्थित है। अब लगा लो गीता जी का सूत्र, लगा लो प्रलपन विसर्जन ग्रहणन निमिषन उन्निमिषन अपि नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्वम्। हाँ ये इस प्रसंग का अंतिम श्लोक पढ़ते हैं। कृत कृत्यतया तृप्तः प्राप्त प्राप्यतया पुनः तृप्यन्नेवं समनसा मन्यते सव निरन्तरम्। देखो पहले ही उसकी स्थिति क्या हो गई, कृत कृत्यतया तृप्तः। कृत कृत्यता का भाव आकर के वो तृप्त है भीतर से, अब कुछ करना बाकी ही नहीं, कुछ करना बाकी नहीं, जो करना था सब कर लिए, जो करना था सो कर लिए, जो जानना था जान लिए अपने स्वरूप, जो श्रुति ने कहा आत्मा वारे द्रष्टव्यः वो हो गया। आत्मानं चेद विजानीयात्
अगर तुमने अपनी आत्मा को जान लिया तब किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरे, अपनी महिमा में स्थित हो गया, कृतकृत्यता की स्थिति हो गई। अब वो अपने आप में ही कृतकृत्य है, अब उसके भीतर कोई कामना नहीं है स्वरूप में। लेकिन मान लो उसी समय एक कोई गांव का भक्त आया, कोई एक दर्शनार्थी आया और उसने महाराज के सामने एक सेब चढ़ा दिया, चाह भी नहीं था, अपने आप में तृप्त है, तो स्थिति क्या हो गई अब उनकी? महाराज वो एक सेब में ही इतने तृप्त कि क्या कहना, जैसे कहते ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रवेश, वो भगवान को इतना सा कोई चढ़ा दे वे उतने में प्रसन्न, तो महाराज वो तो इतने में ही इतने प्रसन्न हो गए। क्या हो गया? प्राप्त प्राप्यतया पुनः, जो प्राप्त करना था वो सबका सब प्राप्त, ए शरीर की स्थिति से परे अब उनको कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहा। एवं तृप्यन, ए तृप्यन धन एवं, तो एवं स्वमनसा तृप्यन, इस प्रकार से अपने मन से ओ जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, इस प्रकार से हमेशा तृप्त हैं, ऐसा मन्यते असौ निरंतरम। ये तत्ववेत्ता महापुरुष असौ, ये महापुरुष ऐसा निरंतरम मन्यते, ऐसा हमेशा उनकी धारणा भावना बनी रहती है कि जो करना था कर लिए, जो पाना था बस, जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिए, अब कुछ प्राप्त करना बाकी ही नहीं रहा। तो कैसी भावना होती है? अब आगे के जो पांच छह श्लोक हैं वो सब एक ही जैसे हैं, तो ये सब कोई ज़्यादा इस पर समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अपने आप ही आप लोग पढ़ सकते हो। आगे के पांच छह श्लोक, हाँ, जो तत्ववेत्ता है कैसे है देखो। धन्योहम धन्योहम नित्यम स्वात्मान मञ्जसा वेद्मि, धन्योहम धन्योहम ब्रह्मानन्दो धन्योहम धन्योहम ब्रह्म, धन्योहम धन्योहम ब्रह्म आनंदो विभाति मे स्पष्टम, आनंदो विभाति मे स्पष्टम। धन्योहम धन्योहम, अब इसमें क्या अर्थ बताऊं तुमको, बताओ हाँ? धन्योहम धन्योहम कौन कौन धन्य है? अहम, अरे मैं ही धन्य हूँ। अब अष्टावक्र गीता सुना है तो उसी को जोड़ लो, मैं ही धन्य धन्योहम धन्योहम, क्यों? नित्यम स्व आत्मानम अंजसा वेदी, मैंने अपनी आत्मा को ठीक ठीक जान लिया। नित्यम, जो नित्य अपनी आत्मा है, कौन? स्व आत्मानम, जो अपना आत्मा है उसको ठीक ठीक हमने जान लिया। कैसे जान लिया? अंजसा निर्दोष आत्मा को, जो तत्व है वो अपने उस आत्मा को ठीक ठीक मैंने जान लिया। जब जान लिया आत्मा को तो क्या हो गए आप? धन्योहम धन्योहम ब्रह्म, आत्मा ही है हमारी ब्रह्म। देखो ऊपर की पंक्ति में आत्मा है, नीचे है ब्रह्म, तो अयम आत्मा ब्रह्म, तो मेरी आत्मा ही ब्रह्म है, ये मैं जान लिया। और ब्रह्म कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप, आनंदों में विभाति, मेरा आनंद बिल्कुल साफ साफ मुझको अनुभव में हो रहा है, मैं स्वयं तृप्त हूँ, कृतकृत्य हूँ और पूर्णतया तृप्त हूँ, मैं स्वयं ही धन्य हूँ। क्यों? क्योंकि अपनी आत्मा को मैंने जाना। क्या कहना? ब्रह्मा, देखो ऊपर की पंक्ति में आत्मा, नीचे की पंक्ति में ब्रह्म, बिल्कुल मैं धन्य हूँ क्योंकि मुझको अपनी आत्मा का ठीक ठीक बोध हो गया और मेरी अपनी आत्मा ही ब्रह्म है, ये बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट साफ साफ हमको अनुभव में आ। कैसे? हस्ता मलकवत, मैं आत्मा हूँ, सर्वव्यापक आत्मा हूँ। अब इसी को देखो, इसी का विस्तार है पूरा। धन्योहम धन्योहम दुःखम सांसारिकम न विच्छेद्य, धन्योहम धन्योहम स्वस्य, धन्यो
अज्ञानं पलायितं क्वापि। देखो धन्यो हम धन्यो, मैं धन्य हूँ। अरे क्या मालूम अपनी पीठ ठोंक रहे हैं हम। अब मत कहना बड़ा अहंकार दिखा रहे हो, बड़ा अभिमान दिखा रहे हो। क्यों? मैंने अपनी आत्मा को जाना, मैं स्वयं धन्य स्वरूप हूँ। क्यों? सांसारिकम दुखम न वीक्षे अद्य, आज अद्य माने आज, आज वो जो संसार के लोग दुख से पगला रहे हैं वो हमारे को दिखाइए नहीं पड़ रहा है। सांसारिक दुख पहले भी आया हुआ था, सांसारिक लोग कैसे सोचते हैं, पुत्र आदि की कामना, धन आदि की कामना, इसके पहले आ चुका है इसी में, कृतकृत्यता में या सर्व कामाप्ति में आया था। हाँ, तो जो संसार के दुख हैं, जिस दुख में सारे के सारे संतप्त हो रहे हैं, वो आज हमको दिखाई ही नहीं पड़ रहा। तत्व ज्ञानी के जीवन में कभी कोई समस्या नहीं होती। कोई एक ब्रह्मचारी ने अपने स्वामी सुबोधानंद जी से कहा, उनसे कहा, गुरु जी एक समस्या आई वहीं सिद्धवाड़ी में। तो उन्होंने कहा पहले तो ये शब्द निकाल दे कि समस्या, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। हम ब्रह्मचारियों के जीवन में कोई समस्या नहीं है, समस्या गृहस्थी संसारी लोगों के जीवन में होता है, हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं। क्यों क्यों नहीं है? बोले क्योंकि आप तो त्याग प्रधान जीवन हो, घर छोड़ के आए हो विद्या अध्ययन के लिए, तो समस्या काहे के लिए? परिस्थिति होगी, हाँ परिस्थिति होगी, किसी ने तुम्हारी किताब चुरा लिया होगा, समस्या थोड़ी है, किताब चुरा लिया होगा, किसी ने तुम्हारी पेंसिल तोड़ ली होगी, जहां तुम रोज बैठते हो वहां कोई दूसरा विद्यार्थी आके बैठ गया होगा, परिस्थिति ऐसी होगी, समस्या थोड़े है। समस्या शब्द तो बिल्कुल उपयोग ही नहीं करना चाहिए। काय की समस्या? काय की समस्या? ये कपड़े से समस्या है, उतार के फेंक दिया हमने, जाओ। ये चश्मे से समस्या हो रही, झिलमिल झिलमिल दिख रहा है, ठीक से नहीं दिख रहा है, आंख लाल हो रही, दूसरा चश्मा बनवा लेंगे। काय का नहीं समझ आ रहा? नहीं यार, हमने ऐसे लोगों को देखा है कि जो ये चश्मा का डंडी टूट गई तो इसमें रस्सी बांध के कान में बांधे थे, देखा हुआ है ना? हम ऐसे जी लेंगे, समस्या कहेगी। हाँ, चप्पल टूट गई है, हवाई चप्पल, उसके बीच में रस्सी लगा के ऐसे है। हाँ, नहीं चाहिए, किसी ने लगाई है कभी कि नहीं? मैंने लगाई है। हमने गरीबी देखी है, हम गरीब घर से थे, मैं गरीब घर से था। तो वो तो शास्त्र की कृपा, गुरुदेव की कृपा है, नहीं तो मैं तो बिल्कुल उस समाज से हूँ जहाँ 6 महीने में एक बार कपड़ा मिलता था, एक बार एक जूता होता था, 4 जूता नहीं होता था, उसी से पढ़ने जाते थे। तो हमारे पास तो वस्त्र नहीं थे, हमारे पास तो जूते नहीं थे, तो समस्या काहे की? काहे की समस्या? आज काहे की समस्या है? कोई समस्या नहीं है। अगर आप कहते हो कि मेरे जीवन में समस्या है, तो हम कहते हैं अभी तुमने संसार को ठीक ठीक समझा, त्याग का बल नहीं है। बस एक शब्द कह रहा हूं, त्याग का बल नहीं है। त्यागात शांति, बताओ फिर त्याग। हाँ, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन एकेन अमृतत्व। समस्या कहाँ है? कहाँ समस्या है जी? कोई समस्या नहीं, हमको इस समय कोई दुख नहीं दिखाई पड़ता। मैं साफ साफ कहूँ तो मान लो इसको, हमारे जीवन में इस समय कोई दुख नहीं है। तुम दुखी हो तो अपने अज्ञान से, अपनी ममता से, अपने मोह से। जहाँ से हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, पूज्य गुरुदेव का बहुत प्रिय शब्द था, पूज्य गुरुदेव का, उन्होंने कहा कि आपका जो पांव है, उस पांव में जो जूता लगता है उससे आधा नंबर कम जूता पहन लो एक दिन। हाँ, आधा नंबर कम, एक नंबर कम का जूता पहन लो, क्या होगा फिर आपका पांव? हाँ, नहीं समझ आ रहा? अरे पांव हमारा बड़ा है, हाँ पांव में 7 नंबर का जूता आना चाहिए, और आपने पहन लिया 6 नंबर का जूता,
मजा क्या आएगा। अच्छा मान लो कहीं शादी पार्टी में गए हो पहन के, अब क्या करोगे? जूता हाथ में लेके जाओगे फिर? हाँ मजा तो तब है कि जब वो हमको अभी भी याद है हम पहली बार गए अमरनाथ, हमारा ब्रह्म हम और दो लोग साथ थे, तो हमने अमरनाथ पहली बार जाना था तो बड़े शौक में अमीनाबाद से हम बैग खरीदने गए। पैसा कम, पैसा भी नहीं था ज़्यादा, तो बैग थोड़ा कैसा, वो बैग ऐसा कि जो खाली ही बैग 1.5 किलो का था उतनी अकल नहीं थी। फिर उसके साथ में हमने जूता खरीदा, जूता भी खरीदा, स्वेटर लिया, सब कुछ ले क्यों, क्योंकि अमरनाथ जाएंगे। और जब वो पहलगांव पहुँचे, पहलगांव से पहली एक चढ़ाई होती है चंदनबाड़ी से पिस्सू टाप बोलते हैं उसको, पिस्सू टाप किसी को याद हो, पिस्सू टाप पर ही जब गर्मी होने लगी, पसीना पसीना झोला भारी होने लगा, तो ये भी अपना सब उतार के जो लौट रहे उनको देने लगे, हम भी देने लगे, भैया जे लेना ले जाओ, ये स्वेटर भी वेटर भी सब कुछ। अब बाद में वो झोला हमारा इतना भीग गया कि बहुत तो कुछ दिन ए, कुछ दूर ए ले गए, कुछ दूर एक वहाँ का पिट्ठू कोई भगत था जैसा लड़का वो ले गया, तो और जूता काट लिया था उस समय हाँ अब बड़े शौक में नया जूता लेके गए थे, अब जूता हाथ में लटका तो आप बताओ एक नंबर कम का जूता हो तो कैसे होगा, समझना। आप पाँव है बड़ा और उस पाँव को डाला आपने एक नंबर कम के जूते में, ठीक है ना, समस्या हो गई ना। आप हो आत्मा, आप हो ब्रह्म, और आपने उसको डाला किस में, देह में और प्रकृति में, तो क्या होगा जीवन में फिर। जब आपके पूरे जीवन में देहो हम संसारी हम, तो आपने अपने उस आत्मा को जो आपका सर्वव्यापक है, उस आत्मा सर्वव्यापक को आपने डाल दिया छोटे से देह में संसार में, तो आपके जीवन में समस्याओं का अंबार है ना। नहीं समझ आया? फिलहाल सत्संगी को कभी भी सत्संगी के जीवन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ बाल ने समस्या किया काट दे, दर्द है बोले, समस्या तब है जब काटा भी न जावे और जुए भी पड़ी हूँ तो फिर समस्या है, मरो हम क्या करें, काय की समस्या, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं जीवन, धन्यो हम, काय की समस्या है। इस सुसवाने के लिए तो ये सत्संग है भैया, सोचो सोचो, गुरुदेव बार बार कहते हैं थिंक थिंक, सोचो ना, विचार करो, कहाँ समस्या है। हा? आपको नौकरी में समस्या है, लात मारो नौकरी की, पोस्टिंग हो गई, ट्रांसफर हो गया, बड़ी समस्या है, समस्या का है कि है? छोड़ो नौकरी, जॉब चलेगा तो हाँ हाँ यहां तक कि टूटी हुई झाड़ू से समस्या है और झाड़ू भी संभाल के आदमी रख लेता है, टूटा हुआ कबाड़ रख लेता है घर में आदमी, है ना। तो अब आप छोड़ नहीं सकते हो, बस यही तो समस्या, आपकी समस्या का कारण जो मोह है, तो धन्यो हम धन्य, कोई समस्या नहीं, कम से कम ब्रह्मचारी और संत के जीवन में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं, कोई दुख नहीं, क्यों काय का दुख। हाँ ईश्वर की कृपा से भोजन मिलता है, वस्त्र मिलता है, रहने की व्यवस्था बढ़िया है, किस बात का, अरे वो संसारी आदमी दुखी होता है, तो अपग्रेड होने में आदमी खुश होता है, और उसको नीचे ले जाओ तो आप पहले, आपको क्या लगता है कि सब आए हैं इधर उधर घूम रहे हैं, अरे सब यहीं एसी वाला कमरा इसी में रख लो सामान, बाद में सेट करते हैं। महाराज जो एसी वाला कमरे में चला गया और बाद में उसको बिना एसी वाला कमरे में कह दो शिफ्ट हो जाओ,
गाली भी देगा, बौखलाया रहेगा, 7 दिन का उसका साधना शिविर बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा पहले, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर रह लो, फिर बाद में देखते हैं। कमरा कौन सा दे दिया? अटैच बाथरूम का। बाद में लगा कि नहीं, लोग ज़्यादा आ गए, जगह नहीं है, सेट करना है, करना है, ऐसा करो ना, वो वाले कमरे में सेट हो जाओ, बगल में बाथरूम है, बस देख लेना। और पहले उसको वहाँ रखो, बरामदे में रखो सबको। जब पहले बरामदे में रखो, आधा घंटे एक घंटा वहाँ इंतजार कर लेंगे, उसके बाद अच्छा ठीक है तुम्हारा ये वाला कमरा अटैच बाथरूम वाला। महाराज हृदय उसका हाँ गदगद हो के आपको आशीर्वाद देगा, दक्षिणा भी अलग से देगा। तो संसारी लोगों का दुख बस इतने में है कि हमको ये चाहिए था, इससे आगे वाला, मैंने कहा ना आगे अब क्या, हाँ वो नीचे नहीं जाना चाहता, बड़ा मुसीबत है, हाँ है ना। अब धन्य हो हम धन, हमको संसार का कोई दुख परेशान नहीं करता, हाँ हम अपनी मस्ती में रहते हैं, लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, समझना आप, हम लड़ लेते हैं, हमको कोई किसी आदमी की बात नहीं समझ आई, मैं मौन हो गया, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, हाँ न जाने कितनों का नंबर ब्लॉक होगा, पर 50 नंबर तो ब्लॉक होंगे हमारे मोबाइल में, कंपनी के नहीं भक्तों के 50, हम डांट देते हैं, लड़ लेते हैं, हाँ धन्यो हम सांसारिकम दुखम न वीक्षते, वीक्षते विधन ईक्षते, ईक्षण करने के अर्थ में हमको दिखाई नहीं पड़ रहा कहीं पर, सांसारिक दुख तो हमको कहीं पर दिख, जिस दुख में संसार के लोग संतप्त हैं वो दुख हमारे जीवन में तो दिख ही नहीं रहा है, क्या बात है, क्यों? अभी मैं देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं कि संसारिक दुखों का कारण होता है अज्ञान, बार बार सुना है ना, अविद्या, अविद्या के कारण जो है कामना, कामना से फिर होता है दुख, तो अज्ञान था। और अभी अभी हमने क्या देखा कि स्वस्य अज्ञानम पलायितम, मेरे भीतर का ज्ञान तो भाग गया, पलायितम माने भाग गया, कहाँ भाग गया, किस खिड़की से, बोले पता नहीं जैसे अंधकार चला गया, जब अज्ञान नहीं, कामना नहीं, तो दुख नहीं, मैं तो अपने स्वरूप में, नित्य स्वरूप में हूं, इसका नाम है प्राप्त प्राप्य, नित्य तृप्ति अपने भीतर में, प्राप्त प्राप्य अपनी महिमा में, ठीक है, समझ में आया। अच्छा कभी आप लोग सब अपने पुराने लोग, कभी आप लोगों ने हमारे मुंह से सुना कि बड़ी भारी समस्या है मेरे जीवन में, बीके सिंह समस्या शब्द मैंने बोला हो, परिस्थिति हुई होगी, हाँ अच्छा आप लोगों के जीवन में दुख है कि नहीं पहले बताना, आधा मतलब हमने कई बार समझाया है, सृष्टि में आपका विचार पक्का हो, कैसे, या तो सब के शरीर के प्रारब्ध को स्वीकार कर लो, निश्चिंत हो जाओ, याद है ना, ऐसा मैंने समझाया होगा, प्रारब्धम पुष्यति बपु, भगवान भाष्यकार का वचन है, प्रारब्धाय समर्पितम स्ववपु, ए साधना पंचकम में भगवान भाष्यकार ने लिखा, हाँ तो शरीर हमारा भी, बेटे का भी, परिवार का भी, मित्र का भी, सबका शरीर का अपना अपना प्रारब्ध है, आप निश्चिंत रहो, या ईश्वर को मान लो सब करने वाला, निश्चिंत रहो, यही ना, और या तो जगत को मिथ्या समझ लो, कल्पित समझ लो, दुखी मत हो, आपके विचार की परिपक्वता प्रौढ़ता यही है कि भीतर से दुखी मत हो, हाँ जिस समय जैसा व्यवहार हो, अभी आया था स्नान का समय, आया स्नान कर लिया, पूजा करने का समय आया, देवार्चन कर लिया, ओ जिस समय जैसी परिस्थिति आती है वैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन भीतर से दुखी नहीं होते, ठीक है आगे बढ़ो। धन्योहम कर्तव्यम, मेन विद्यते किंचित, धन्योहम प्राप्तव्यम,
सर्वमद्य संपन्नम्। असल में इसमें थोड़ा छंद में दोष आ रहा है, इसलिए आप लोग ऐसे पढ़ लो जैसे आठ अक्षर का छंद होता है, तो यहाँ पर छंद में थोड़ा सा जो है व्यतिक्रम आ रहा है। धन्योहम तीन अक्षर हुआ, फिर धन्योहम तीन अक्षर हुआ, कर्तव्यम में भी तीन अक्षर हो गया, तो अक्षर कितने हो गए? नौ हो गए, है ना। फिर आगे सही हो जाएगा, मे ना विद्यते किंचित, तो थोड़ा सा जो है। और अगर इसको कर्त तक ले आएंगे यहाँ पर तो आठ अक्षर होगा, फिर व्यम मे ना विद्यते किंचित, हाँ किंचित ता आधा अक्षर है, नौ नहीं है, ता आधा अक्षर है, उसको नहीं गिना जाता। मे ना विद्यते, मे एक ना दो, विद्यते तीन, पांच हो गए, किंचित दो सात हो गए, हाँ। तो ओ, इसमें थोड़ा सा इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। धन्योहम धन्योहम, मैं धन्य हूँ, कर्तव्यम मे ना, मेरा कोई कर्तव्य ही बाकी ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि धन्योहम धन्योहम प्राप्तव्यम सर्वम, सब मिल ही गया, जो प्राप्त करना था प्राप्त हो गया, प्रयोजन का अभाव हो गया। अब पहले कहा था प्रयोजनाभाव, अब कोई विशेष प्रयोजन है ही नहीं, तो फिर अपने आप में पूर्ण तृप्त हो गया। धन्योहम धन्योहम तृप्ति ही, मे कोपमा भवेत लोके, धन्योहम धन्योहम धन्यो, धन्या पुनः पुनर्धन्यः, अहो पुण्यम अहो पुण्यम, फलितं फलितं दृढ़म्, अस्य पुण्यस्य संपत्ते, अहो वयम अहो वयम। देखो वही है, धन्यो हम धन्यो, मैं धन्य हूँ, क्यों? तृप्ति ही में का उपमा, में तृप्ति उपमा का भवेत, मेरी जैसी तृप्ति वाला दूसरा कौन? उपमा माने उपमा एक अलंकार है ना, मेरे जैसा कौन? जितना तृप्त मैं हूँ उतना तृप्त इस समय और लोक में कोई, हाँ। तृप्ति देखो, तृप्ति ही धन में, हाँ। तो जितनी मेरी तृप्ति है, जितना मैं आनंदित हूँ, इतना हमारे जैसा हमको कोई दिखाई तो पड़ नहीं रहा। का उपमा, किससे उपमा दूँ? अरे मई धन्यो धन्यो हम धन्यो हम धन्यो धन्य पुनः धन्य, बार बार मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ अपने, हाँ। जो आनंद मौज फकीर करें, अहो पुण्यम महो पुण्यम, अरे क्यों? मेरे कई कई जन्मों के पुण्य होंगे, तभी तो हम सत्संग में आए, तभी तो हमने उपनिषद का स्वाध्याय किया, तभी तो हमने साधना श्रवण मनन निधिध्यासन किया, तभी तो हम पहुंच गए इस आत्मज्ञान में। अगर पुण्य ना होते तो मैं आता कैसे? अहो पुण्यम, मेरे कई कई जन्मों के पुण्य थे, जिनका परिपाक था कि हमको इतना श्रेष्ठ मार्ग मिला, श्रेष्ठ ज्ञान मिला, ये आपके पुण्य हैं, ईश्वर की कृपा है, ये दोनों का मेल माना जाता है। ये दोनों के संयोग से ईश्वर की कृपा और हमारे कई जन्मों के, ये दोनों के संयोग से आपके भीतर इस तत्व ज्ञान की इच्छा पैदा होती है। ईश्वर अनुग्रहाद एव पुंसाम अद्वैत भस्म, ये दोनों बातें मानी जाती है, आपके पुण्य और ईश्वर की कृपा दोनों को मेल से हमने सत्संग सुना, ध्यान किया, साधना किया, स्वरूप में पहुंच गए, हाँ। अहो अस्य पुण्डस्य संपत्ति, इस पुण्ड के समान इस जगत में और कुछ नहीं है। आज तो मैं अहो वयम अहो वयम, अरे अहो वयम, हम हमारे जैसे और जो लोग हैं वो सब के सब आनंद में हैं, वो सब के सब आनंद में हैं, अब हम कृतकृत्य हैं। अब देखो, अब जो है भीतर से कृतज्ञता निकलती है, भीतर से हृदय कृतज्ञ है, जिन भगवान की कृपा से,
जिन शास्त्र की कृपा से, जिन सदगुरु की कृपा से हमको यह ज्ञान मिला, उनके प्रति हृदय हमारा कृतज्ञ है। आगे का श्लोक इस बात को कहता है। अहो शास्त्र महो शास्त्र, महो गुरु रहो गुरु, अहो ज्ञान महो ज्ञानम, अहो सुख महो सुखम। देखो अहो शास्त्रम, अहो शास्त्रम, दो बार शास्त्र के लिए अहो शास्त्रम, अहो शास्त्रम, धन्य है वो शास्त्र, आश्चर्य है। अहो, उन शास्त्रों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ जिन्होंने हमको मार्ग दिखाया। अहो गुरु, अहो गुरु, उन गुरुदेव को मेरा वंदन है जिनकी कृपा से हमको ये शास्त्र समझ में आया। क्योंकि शास्त्र तो वैसे लाइब्रेरी में बहुत सारे रखे हैं, खरीद के कोई रख ले भी, उन गुरुदेव की कृपा है। फिर यहाँ दो बार आया ना, अहो गुरु, अहो गुरु, वो हमारे परम गुरुदेव को नमस्कार है। यहाँ जो दूसरी बार है, पूरी संप्रदाय को, पूरी गुरु परंपरा को, कठोपनिषद के भाष्य में भगवान भाष्यकार ने शुरुआत में ही गुरु परंपरा को वंदन किया। बृहदारण्यक में बार बार ये आएगा, हमारी इस पूरी गुरु परंपरा को, हमको जो ज्ञान देने वाले गुरु हैं, ज्ञान प्रदाता गुरु, और पूरा का पूरा हमारी ये गुरु परंपरा, उसके प्रति मेरा वंदन है, नमन है। अब तीसरा, अहो ज्ञानम, अहो ज्ञानम, लो, और शास्त्र की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से जो ज्ञान हुआ वो भी आश्चर्यवत है। जिस ज्ञान का फल क्या हुआ, अहो सुखम, अहो हम तो सुख में हैं जी। ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथे, ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथे, चतुर्थोऽध्याय ईरितः, चतुर्थोऽध्याय ईरितः, विद्यानंदस्तदुत्पत्तिः, पर्यन्तोऽभ्यासयिष्यताम्। ये ब्रह्मानंद अभिधे ग्रंथे, ये प्रसंग चल रहा है ब्रह्मानंद का। तीन है ना, विवेक प्रकरण, दीप प्रकरण और ब्रह्मानंद प्रकरण। ब्रह्मानंद प्रकरण तीन प्रकरण हो गया। तो ब्रह्मानंद अभिधे माने नाम, संज्ञा। तो ब्रह्मानंद रूपी नाम के अंतर्गत जो ग्रंथ है उसका चतुर्थ अध्याय पूरा हुआ। ब्रह्मानंद में चौथा अध्याय हो गया इन, तो पहले के तीन अध्याय योगानंद, आत्मानंद, अद्वैतानंद और विद्यानंद। विद्यानंद ब्रह्मानंद के अंदर चार है, वही तो कह रहे ना ब्रह्मानंद अभिधे। ब्रह्मानंद नाम के प्रकरण के अंतर्गत ये चौथा अध्याय, तीन हो चुका था, योगानंद, आत्मानंद, अद्वैतानंद और विद्यानंद पूरा हो गया। विद्यानंद तद उत्पत्ति, ये विद्यानंद ग्रंथ पूरा हो गया। अगर कोई ठीक ठीक इसको समझ ले, विद्यानंद तद उत्पत्ति पर्यंत, ये विद्या का आनंद मिल गया, तो अभ्यास इष्यताम, जब ये आपका अनुभव हो जाए तब उसको अब कुछ करना बाकी ही नहीं रहता। कोई अभ्यास अभ्यास की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं। जिसको कहते हो समझ तो लिए, अब क्या करूं, अब क्या करूं, वो फिर अगर कहते हो अब क्या करूं, इसका मतलब अभी ठीक से समझे नहीं, अभी ठीक से समझे नहीं। क्योंकि जो करना था सो कर लिए, वो चार चीज, दुखा भाव, कामाप्ति, कृतकृत्यता और प्राप्त, सब हो गया, मुक्त हो गया। अथात्र विषयानंदो, ब्रह्मानंदांशरूपभाक्, निरूप्यते दूरद्वारभूतः, तदंशत्वं श्रुतिर्जगौ। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है हैं भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं यहाँ तम की नहीं सत्ता यहाँ हर दिन दिवाली है यहाँ तम की नहीं सत्ता यहाँ हर दिन दिवाली है भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूँ। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे भूल गए दुख दर्द बीमारी मिट गई चिंता सारी शरण तेरे आ गए हैं प्रेम रस पा गए हैं हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं आया जो दर पे तेरे पाया परम की सौगात रे आया जो दर पे तेरे पाया परम की सौगात रे हो गया उजाला मन में बीती वो काली काली रात रे जहां भी जाए तुमको पाए नित्यानंद मनाए शरण तेरे आ गए हैं प्रेम रस पा गए हैं गुरुवर की करुणा कृपा मिट गए सब दुख द्वंद सदगुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सदगुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परम पिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें, जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें तीन स्वरूप होते हैं, कर्म के मार्ग में साधना हो इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया, हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े भाव के साथ में भक्ति करें इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई,
और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया, वर्तमान में जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही।